उसके बाद केयर सेंटर वहाँ सर वहाँ वाले वहाँ करेंगे सर, फिर इधर इधर आ जाते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। आपने आज एमसीएच देखिए दो बातें होती हैं मेरे जो हमारे जम्मू कॉरपोरेशन के मेयर हैं जी श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी, और जम्मू जिला सबसे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 25% स्टेट है सिटी को मिला के, और फिर रूरल का, और रूरल के हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं श्री भारत भूषण जी जी, इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम आज गांधीनगर हॉस्पिटल, क्योंकि ये भी हमारा प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल है, रूरल को ये कैटर करता है और इस समय कोविड को ये कैटर कर रहा है, तो मुझे भी जो पार्टी ने दायित्व दिया है इन मेरे दोनों साथियों को असिस्ट करने के लिए, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा रहा है एज ए हेल्थ मिनिस्टर और इसी विभाग में 15-16 साल नौकरी करने का, तो उसी सिलसिले में आज हम आए हैं। जिस तरह से यहाँ पे यहाँ के सुपरिटेंडेंट और उनके साथी, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, और खसूसन तौर पर यहाँ पे हमने जो अटेंडेंट के साथ इंटरेक्शन की है वो यहाँ पे जो पेशेंट केयर मिल रही है उससे सेटिस्फाई हैं। ये बात दुरुस्त है कि यहाँ मैन पावर की कमी है और कोविड की वजह से ही इसको चालू किया है और अभी डर्थ है, और बाकी भी जो हैं वो जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो कहीं कम्युनिकेशन गैप है, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। लेकिन हमें खुशी हुई कि जैसा यहाँ अंदर से अटेंडेंट ने ये कहा कि ऐसी सफाई हमने कहीं नहीं देखी जी, और कोऑपरेशन भी, और जिस तरह से पेशेंट को यहाँ ट्रीट किया, हालांकि यहाँ जो फैकल्टी आती है सीनियर फैकल्टी वो मेडिकल कॉलेज की आती है, सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ ओल्ड हॉस्पिटल में भी, और न्यू जो 200 बेड का ये है, और ये तो एमरजेंसी ओपीडी बनी थी, आज इसका छत उतर रहा है, मुझे लगता है कि 2010 में इसकी इनॉग्रेशन की थी उस समय हमने, तो यही आज कुछ गैप आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक मॉरल सपोर्ट जो इस समय बनती है, जो कोविड वॉरियर हैं चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं जिसमें नर्सेज आती हैं, दूसरा स्टाफ आता है, और खसूसन तौर पर जो हमारे सैनिटेशन सफाई वाले लोग उनका जो रोल है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। और उसी सिलसिले में मेरे चेयरमैन साहब और मेयर साहब ने ये मीटिंग रखी थी, और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने प्रोवाइड की है, तो मुझे लगता है कि मेरे दोनों हमारे साथी जो हैं पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों की सेवा जो है वही सेवा है। जो है जो कि अब जो हमने सेकंड में थोड़ा धोखा खाया जी, हमने कहने का हमने नहीं, उसमें मैं जो हेल्थ विभाग रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लैप्सस रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, मैं बड़ा क्लियर कहूँ जी। जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी, और वो तैयारियां रूरल साइड की बात करता हूँ, पूरा लोड हमने मेडिकल कॉलेज पे डाल दिया, और वो थोड़े से उससे डिजीज जो है वो स्प्रेड भी हुई, और पेशेंट केयर में भी वो कमियां रह गई, इसी वो पॉइंट बना के भेजे थे 15 साथियों का सहयोग रहा उसमें, और उसी सिलसिले में हमने ये कहा था, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिपकॉम के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उस दिन हमारा फोकस पॉइंट यही था, हम तीनों साथी थे, कि रूरल का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शफी में पॉपुलेशन के हिसाब से 5-5 बेड जो हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, जो हम कम से कम फर्स्ट एड तो वहाँ पे मिले, लेवल 2 और 3 जो है वो वहाँ पे डील करे पेशेंट को। तो अब हेल्थ विभाग की भी थोड़ा चुस्त दुरुस्त हुआ है, उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है वो कोविड सेंटर बना रहे हैं, और इसी तरीके से हर पंचायत में 5 बेड का जो है वो आइसोलेशन कोविड सेंटर बन रहा है, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक जो है वो वेलनेस सेंटर जो है, कोविड वेलनेस सेंटर जो है वो हम पार्टी की तरफ से जो है वो क्रिएट कर रहे हैं।